हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं तो आई हुई थी अपने घर, और घर पे आके ना मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मैं भाभी से बोल रही थी कि भाभी, आपके फ्रिज में कुछ मीठा है तो मुझे मीठा ला दो यार, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। तो भाभी बोली कि दीदी, कुछ मीठा तो नहीं है, पर चलो आपको अगर मीठा खाने का मन है तो चलो मीठा बनाते हैं। मैंने कहा क्या बना रहे हो आज, क्या खिला रहे हो? तो मैंने देखा भाभी ने कढ़ाई में घी लिया और बर्फ़ का टुकड़ा लिया, और वो घी को है ना बार बार बर्फ़ के टुकड़े से ना ऐसे चलाए जा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, आप घी क्यों ख़राब कर रहे हो, ये तो कोई मिठाई लग नहीं रही मुझे जो आप बना रहे हो। तो कह रही, अरे भाभी देखो तो, दीदी देखो तो सही, मैं है ना कितनी अच्छी मिठाई बनाती हूँ। और ऐसे करके है ना उन्होंने ना सारे घी को इस तरीके से जमा दिया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने कहा भैया, इससे कौन सी मिठाई बनने वाली है, ज़रा हमें भी बताओ। तो कह रही, अरे दीदी भाभी, दीदी आप देखते जाओ मैं कौन सी मिठाई बनाती हूँ। तो इधर दीदी भाभी ने पूरा घी को जमा लिया था और उसमें डाल दिया 2 कप मैदा। तो आप जैसे देख ही रहे हैं, फिर भाभी ने ना पूरे घी को है ना मैदा के अंदर मिक्स कर दिया। तो भाई मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो भाई, मैदा को इसके घी के अंदर मिक्स कर दिया आपने? तो बोली, हाँ दीदी ये देखो, अब मैं इसके अंदर है ना दूध डालने वाली हूँ। तो इधर भाभी ने 1 कप दूध लिया और वो मैदा के अंदर डाल दिया और इस तरीके से उसका एक आटा सा गूंद दिया। तो मैंने सोचा चलो भाई, कुछ बना रही होंगी, पूरी वगैरह हमें खिला रही होंगी भाभी, कुछ बना के मीठा, इसमें कुछ मीठा ऐड करके हमें खिलाएंगी। पर ये क्या देखती हूँ, इधर भाभी ने आके है ना 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया उसके अंदर, और इधर वो इसको इस तरीके से मैश करने लगी। तो मैंने कहा भाभी ये क्या कर रहे हो यार, अब तो आपने इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको मैश करे जा रहे हो। तो इधर भाभी ने है ना क्या किया, इस सारे पेस्ट को एक बाउल के अंदर डाल लिया। जैसे कि अभी आप देखेंगे, इधर भाभी ने पूरा पेस्ट था ना जो जितना भी मैदा का, वो एक बाउल के अंदर डाल दिया और इसमें और पानी डाल दिया। तो कम से कम ये गाइस पहले का और अब का पानी मिला के 1 लीटर हो गया होगा। तो इधर फिर उसको अच्छे से घोल गया ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, एक भी गांठे ना रहे, और इस तरीके का पतला बैटर तैयार कर लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इधर भाभी ने है ना गैस पे चढ़ा लिया, एक गोल सा बर्तन दिया जो ऊपर से और नीचे से एकदम से स्ट्रेट है, मतलब कि सीधा है, वो मुड़ा हुआ नहीं है, तो और उस पर देसी घी चढ़ा लिया। तो गाइस इधर देखिए, ये पैटर्न भी बहुत अच्छे से बन गया, इधर घी भी उबल गया था। तो इधर भाभी ने क्या किया, चमचा लिया और जो अपना बैटर बनाया हुआ था वो धीरे धीरे करके डालने लगी। तो इधर मुझे समझ में आ गया कि भाभी मेरे लिए क्या बना रही है। तो मैंने भाभी से बोला, आप घेवर बना रहे हो ना? तो भाभी बोली, हाँ दीदी आप तो समझ गए कि मैं घेवर बना रही हूँ आपके लिए, आपको घेवर बहुत पसंद है। और अभी तो देखिए राखी भी आ रही है, तीज त्यौहार भी आ रहे हैं, और इन दिनों में सबसे पसंदीदा डिश ही घेवर होती है, और आपको खाने में लगेगी भी अच्छी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो इधर देखिए भाभी ने कितने अच्छे से धीरे धीरे डाल के ना पूरा एक घेवर तैयार कर लिया है, और अभी ये चक्कू की मदद से ना इसको चारों तरफ से हिलाएंगी और इनको नीचे घेवर को ना नीचे की तरफ दबा देंगी ताकि वो और भी अच्छे से पक जाए। तो गाइस आप जैसा देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस देखिए, इस तरीके से भाभी ने पहले घेवर तैयार कर लिया, और इसको इस तरीके से है ना एक छलनी हो या कोई इस तरीके की लोहे की ऐसे आप रख दो, और उस पर एक एक करके ना सारे घेवर को रख दो ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना, जितना भी हमारा घी एक्स्ट्रा है, वो सारा निकल के नीचे आ जाए और घेवर ऊपर मतलब की सेफ रहे और नीचे सारा ऑयल निकल के आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते। तो मुझे भी इतना है ना ज़्यादा घी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इधर भाभी ने दूसरा घेवर भी इसी तरीके से उतार लिया है, और इधर हमारा देखिए तीसरा घेवर भी तैयार हो गया है। तो गाइस आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस को घेवर खाना पसंद है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है घेवर खाना। तो भाई इधर भाभी ने मैक्सिमम 6 घेवर बनाकर तैयार कर लिए। तो गाइस इधर भाभी ने लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया 1 लीटर दूध,
जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी भाभी ने इसको पकाना शुरू किया दूध को और गाढ़ा करना शुरू किया है। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हिला हिला के भाभी दूध को पकाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। और गाइस इधर देखिए कितना गाढ़ा हो गया है दूध पक्के। और अभी इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा मिल्क पाउडर, जो सूखा हमारा ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो आप इसमें डाल लीजिए। तो यहाँ कम से कम हमने अंदाजे से ही एक कप सारा इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल लिया है। और उसके बाद गाइस इसको हम और चलाएंगे और थिक करेंगे ताकि ये बिल्कुल रबड़ी जैसा बन जाए। तो गाइस ये देखिए काफ़ी हद तक ये रबड़ी जैसा बन गया है। तो मैंने दो इलायची कूट कर डाल दी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी इसको अच्छे से पका लेते हैं अच्छे से। और इधर थोड़ी सी मैंने डाल दी है चीनी इसके अंदर, जैसा आप मीठा चाहें, अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, अपने अंदाजे से डाल लीजिए, जैसा आप खाना पसंद करें उस तरीके से डाल लीजिए। तो गाइज़ इधर देखिए इधर हो गई है रबड़ी तैयार। तो इधर भाभी ने क्या किया, एक पैन लिया और पैन में डाल लिया चीनी और उसको बनाने वाली है भाभी चाशनी। तो देखिए इधर है ना एक तार की चाशनी तैयार कर रही है भाभी और इधर हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है। तो गाइस अभी इनको चाशनी को चेक कर लेंगी और देखेंगी कि हमारी चाशनी तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए हाँ चाशनी हो गई है तैयार एकदम से रेडी एक तार की। और इस तरीके से ना भाभी ने सभी घेवरों पे डाल दी हैं चाशनी, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से घेवर है ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए कि घेवर किस किस को खाना पसंद है और किस किस को बनाना पसंद है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ इधर भाभी ने अच्छे से चाशनी डाल दी और देखिए अब भाभी इस तरीके से है ना रबड़ी डाल देंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं तो रबड़ी को जब ठंडा होने के लिए रख दे तो वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है गाइस। और इस तरीके से ना भाभी सारे घेवरों पे इस तरीके से रबड़ी डाल देंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। और साथ में जो ये घेवर है ना गाइस उन पे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से बिल्कुल बाजार जैसा लुक आएगा। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वह ड्राई फ्रूट्स घेवरों पे डाल लें, इस तरीके से डेकोरेट कर लें। तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सब लोगों का भी घेवर कैसा बना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।